पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के आदर में नवीना के तीसरे दिन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, प्रभु येसु अपने शिष्य से कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूँगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु येसु ना केवल अपने शिष्यों के लिए पिता से प्रार्थना की, बल्कि हम सब के लिए पिता से प्रार्थना की, और पवित्र आत्मा हम सबके जीवन में है। क्या हम उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हमारे जीवन में महसूस करते हैं? क्या हम पवित्र आत्मा से संचालित होते हैं? तो आइए, आज के दिन हमें मौका मिला है अपने आप को जांच कर देखने के लिए और पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए मौका देने के लिए। आइए हम पवित्र आत्मा के आदर में एक गीत गाएं। अनुवाक्य, हे पवित्र आत्मा आ, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के तनाव को निकालकर मुझे विश्राम देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चिंता को निकालकर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के भय को निकालकर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चोटों को निकालकर मुझे कृपा की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के ठंडेपन को निकालकर मुझे प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के दुख को निकालकर मुझे आनंद देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की घृणा को निकालकर मुझे अनुकंपा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की निराशा को निकालकर मुझे आशा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के घमंड को निकालकर मुझे नम्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के स्वार्थ को निकालकर मुझे पवित्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ,
मेरे हृदय के क्रोध को निकालकर मुझे शीतलता देने, हे पवित्र आत्मा। मेरे हृदय के असत्य को निकालकर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा। मेरे हृदय के आलस्य को निकालकर मुझे उत्साह देने, हे पवित्र आत्मा। कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सकें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के साथ वरदान प्रज्ञा, बुद्धि, सुमति, धैर्य, ज्ञान, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्माई दान, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, चंगाई, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सके। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, तूने कहा है मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमारी निर्जीवता दूर कर और हम में नया उत्साह भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मारिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मारिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। आइए हम पवित्र आत्मा के आदर में एक भजन गाएं। अपना मंदिर
बना। मेरे मन मेरे दिल में आ, ये दिल अपना मंदिर बना। मेरे मन मेरे दिल में आ, ये दिल अपना मंदिर बना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रतिदिन पवित्र आत्मा के बारे में मनन चिंतन करेंगे और इस प्रकार हम पवित्र आत्मा के बारे में ज्ञान बढ़ाएंगे, साथ ही साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक भी अनुभव करेंगे। यौवन के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 16 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा को एक सहायक कहा है, लेकिन उससे पहले वाक्य 15 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझको प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो यह सहायक उनको दिया जाता है जो यीशु से प्यार करते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यीशु को प्यार करने का मतलब क्या होता है? यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाना, यीशु को अपने परिवार का केंद्र बनाना। जो यीशु को अपने जीवन का केंद्र, परिवार का केंद्र बनाता है और जो यीशु के आदेशों के अनुसार जीवन जीता है, यीशु के पवित्र वचनों के अनुसार जीवन जीता है, प्रभु यीशु कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें वह दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। सबसे पहली बात जो हमें समझना चाहिए कि प्रभु यीशु ने हमें स्पष्ट शब्दों में समझाया कि पवित्र आत्मा कोई चीज नहीं है बल्कि एक व्यक्ति है। प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए सहायता भेजूंगा, बल्कि सहायक, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा त्रयेक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है। जिस तरह एक व्यक्ति महसूस करता है, साथ चलता है, कार्य करता है, उसी तरह पवित्र आत्मा हमारे साथ रहने वाला सहायक व्यक्ति है। आगे प्रभु कहते हैं, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। आपके भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, आपके माँ बाप कुछ समय के लिए आपके साथ रह सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ सदा रहता है। हमारे जीवन की उतार चढ़ाव में, हमारे जीवन के हार जीत में, हमारे जीवन के दुख संकट और आनंद के समय, हमारे सोते समय, हमारे जागते समय, हमारे काम करते समय, विश्राम करते समय, हमारे साथ सदा रहने के लिए पिता ने हमें एक सहायक दिया है, वह है पवित्र आत्मा। तो प्रभु यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा हमारे लिए एक सहायक है। वो हमारी कैसे सहायता करता है, इसके बारे में मनन चिंतन करेंगे। यौवन के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 26 में प्रभु यीशु कहते हैं, वह तुम्हें सब कुछ समझा देगा। पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैं जोर देना चाहता हूं इस पर, सब कुछ। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि प्रभु और पवित्र आत्मा आध्यात्मिक बातों के बारे में हमें समझाएंगे, बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। पढ़ाई के बारे में समझाएगा, कैरियर के बारे में समझाएगा, कामकाज के बारे में समझाएगा, खेती के बारे में समझाएगा, व्यवसाय के बारे में समझाएगा, पति पत्नी के रिश्ते के बारे में समझाएगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, एक एक बात के बारे में पवित्र आत्मा समझाएगा। हमारे दिमाग से इस बात को हटाना है
कि पवित्र आत्मा हमें सिर्फ पवित्र और आध्यात्मिक बातों में मदद करता है। प्रभु येसु कहते हैं वह सब कुछ समझाएगा, किससे शादी करनी है, किसके हाथ में अपना जीवन देना है, क्या करना है, सब कुछ समझा देगा। जब हमें इस बात का एहसास होगा, ये ज्ञान होगा, तभी हम पवित्र आत्मा की मदद लेंगे। वरना हम सोचते हैं पवित्र आत्मा आध्यात्मिक बातों में हमारी मदद करेगा। प्रभु येसु कहते हैं सब कुछ समझा देगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे प्रभु येसु कहते हैं कि वह मेरी शिक्षा का स्मरण दिलाएगा। पवित्र आत्मा हमें प्रभु की शिक्षाओं का स्मरण दिलाता है, प्रभु के वचन को समझाता है, उसमें छिपी हुई रहस्यों को प्रकट करता है। जरा सोचिए, पेत्रुस एक मछुआ था, साधारण मछुआ, कितने पढ़े लिखे थे हम समझ सकते हैं, लेकिन वही पेत्रुस आगे चलकर कैसे वचन सुनाते हैं। पेत्रुस के पत्रों को पढ़िए, एक अनपढ़ मछुआ किस तरह लिखता है। ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा अनपढ़ों को भी शिक्षित बनाता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन वे वचन को अच्छी तरह समझते हैं, समझाते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि ये पढ़िए, ये पढ़िए। पवित्र आत्मा उनके अंदर अपना प्रकाश उंडेलता है और वे समझदार बन जाते हैं। तो पवित्र आत्मा हमें प्रभु के वचनों का मर्म समझाता है, प्रभु की शिक्षाओं का स्मरण दिलाता है। जब हम भटक जाते हैं उस समय प्रभु के वचनों को याद दिला दिलाकर हमें मार्ग पर वापस ले आता है। प्रभु येसु कहते हैं कि वो मेरी शिक्षाओं का स्मरण दिलाएगा। यौहन के सुसमाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 12 और 13 में, यौहन अध्याय 16 वाक्य 12 और 13 में प्रभु येसु कहते हैं मैं तुमसे और बहुत सारी बातें करना चाहता हूं, लेकिन तुम अब उसे सह नहीं सकते। मैं तुमसे और भी बहुत सारी बातें समझाना चाहता हूं, लेकिन तुम उसे सह नहीं सकते, पचा नहीं सकते, समझ नहीं सकते। लेकिन पवित्र आत्मा जब आएगा वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा, वो तुम्हें पूर्ण सत्य की ओर ले जाएगा। क्या मतलब है पूर्ण सत्य की ओर ले जाएगा? सत्य की पूर्णता प्रदान करेगा, सब कुछ को अच्छी तरह देखने का सामर्थ्य देगा, प्रकाश देगा। प्रभु की शिक्षाओं को समझना, प्रभु की बातों को समझना आसान बात नहीं है। प्रभु कहते हैं कि मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, तुम समझ नहीं सकते। वास्तव में शिष्यों ने येसु को बहुत कम समझा। पेंतेकोस्त के पहले तक प्रभु के शिष्यों ने प्रभु को बहुत कम समझा। सब कुछ देखते थे, सब कुछ सुनते थे, तब भी प्रभु के पुनरुत्थान के बाद भी वे पूछते हैं कि प्रभु आप अपने राज्य की स्थापना फिर कब करेंगे। यानी प्रभु के शिष्य सब कुछ सुनते और देखते हुए भी समझ नहीं पा रहे थे, पचा नहीं पा रहे थे। लेकिन पेंतेकोस्त के बाद उन सारी शिक्षाओं को वो समझ पाए, उनके हृदय और मन में वे सारी शिक्षाएं उतर गईं, वे समझ पाए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यौहन के सुसमाचार की अध्याय 16 उसके वाक्य 8 में प्रभु येसु कहते हैं जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में और दंडाज्ञा के बारे में समझाएगा। पवित्र आत्मा ही हमें पाप के बारे में समझा सकता है, पवित्र आत्मा ही हमें धार्मिकता के बारे में समझा सकता है, दंडाज्ञा के बारे में यानी अंतिम न्याय के बारे में समझा सकता है। देखिए, जब प्रभु ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हें इन सारी बातों के बारे में समझाएगा, ये बौद्धिक बात नहीं है, ये एक आत्मिक बात है। पाप के बारे में लोग समझ नहीं पाते, वे जानते हैं कि मैंने जो किया वो अपराध है, लेकिन वे वास्तव में समझ नहीं पाते हैं, उनके अंतस्तल में यह बात उतरती नहीं है। जब प्रभु ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हें पाप के बारे में समझाएगा, मतलब क्या है? तुम्हें पाप का एहसास कराएगा। कई लोग जो अधर्म करते हैं उनको मालूम है कि अधर्म है, लेकिन उसका एहसास नहीं है
कि मैंने अधर्म किया। पवित्र आत्मा ही हमें पाप का एहसास करा सकता है, पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर पाप बोध उत्पन्न कर सकता है, पवित्र आत्मा ही हमें सच्चा पश्चाताप प्रदान कर सकता है। दूसरा, धार्मिकता के बारे में समझाएगा हमारे जीवन में, धार्मिकता के बारे में पवित्र आत्मा समझाएगा, हमारे अंदर एक कन्विक्शन आ जाएगा, एक दृढ़ धारणा आ जाएगी, ये सही है ये गलत है, मुझे इस पर चलना है। समझाने का मतलब, फिर मैं कहता हूं, बौद्धिक नहीं है। आगे दंडाज्ञा के बारे में पवित्र आत्मा समझाएगा, यानी हमारे अंदर पवित्र आत्मा एक भय उत्पन्न करेगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे प्रभु का सामना करना होगा, मुझे प्रभु के सामने उपस्थित होना होगा, मुझे अपने सारे कार्यों के लिए एक हिसाब देना होगा। ये एहसास सिर्फ पवित्र आत्मा ही इंसान को दे सकता है। बौद्धिक रूप से सभी जानते हैं, सभी जानते हैं गलत है ये सही है, सभी जानते हैं कि हमें इसका हिसाब देना है, लेकिन आंतरिक रूप से आत्मिक रूप से उनको ज्ञान नहीं है, ये पवित्र आत्मा ही दे सकता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर पाप बोध ला सकता है, सच्चा पश्चाताप ला सकता है, धार्मिक जीवन के लिए एक जागृति ला सकता है, एक भय ला सकता है, अंतिम दिन के बारे में एक ज्ञान ला सकता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 11 और 12 में प्रभु यीशु कहते हैं, जब ये तुम्हें सभागृहों न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे तो ये चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे। वाक्य 12 में प्रभु कहते हैं, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना होगा। यानी प्रभु यीशु कहते हैं, जब तुम्हारा विरोध किया जाएगा, तुम्हारा अपमान किया जाएगा, उपहास किया जाएगा, तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया जाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें बुद्धि प्रदान करेगा, प्रकाश प्रदान करेगा, शब्द प्रदान करेगा। हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित में कि स्तेफनुस के बारे में कि जब बोलता था लोग अवाक रह जाते थे, उनके सामने बोल नहीं पाते थे, पवित्र आत्मा ने उसको ऐसे शब्द प्रदान किया, ऐसी बुद्धि प्रदान की। उसी तरह विरोध के समय, अपमान के समय, उपहास के समय, अत्याचार के समय हमें क्या बोलना है, क्या करना है, पवित्र आत्मा हमें इसके लिए इसको समझाएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 26 और 27 में संत पौलुस हमें समझाते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है। वचन में लिखा हुआ है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम ये नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। पौलुस कहते हैं, पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। जब आप दुर्बल हैं, जब आप कमजोर हैं, आप टूटे हुए हैं, आप दुखी हैं, निराश हैं, आप नहीं जानते कैसे प्रार्थना करनी है, क्या करना है, जब आप दुर्बल हैं, कमजोर हैं, पवित्र आत्मा आपको समझाएगा, आपकी मदद करेगा, आपको प्रार्थना का तरीका बताएगा, आपको बताएगा क्या करना है, कहां जाना है। पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी मदद करता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरे प्रेरित चरित में आप पढ़ेंगे, पूरे प्रेरित चरित में आप पढ़ेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा ने शिष्यों की मदद की, शिष्यों को चलाया। प्रभु यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से संचालित थे। पवित्र आत्मा प्रभु को ले जाता है, पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु कार्य करते हैं। तो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और पवित्र आत्मा से संचालित थे। प्रभु के शिष्य भी पेंतकोस के बाद पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक विश्वासी और एक मसीही को प्रेरितों की तरह और यीशु की तरह पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग बनना है, पवित्र आत्मा से संचालित लोग बनना है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करना चाहता है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करना चाहता है,
एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 30 में संत पौलुस कहते हैं, पवित्र आत्मा को दुखी मत बनाओ। पवित्र आत्मा एक विश्वासी के लिए पिता ईश्वर के द्वारा प्रभु यीशु के नाम पर दिया गया सहायक है, जो सदा हमारे साथ रहता है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को स्वीकार नहीं करते, अंगीकार नहीं करते, पवित्र आत्मा को नहीं सुनते हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं का दमन करते हैं, उस समय हम पवित्र आत्मा को दुखी बनाते हैं। जब हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा को छोड़कर अपने स्व इच्छा के अनुसार पाप की ओर जाते हैं, तो पवित्र आत्मा को हम दुखी बनाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप कभी अकेले नहीं हैं। एक विश्वासी, एक मसीही कभी अकेले नहीं है। पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो आपको समझाएगा क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहां जाना है। मैं आपसे क्या कहूं, कई वर्षों से मैं पवित्र आत्मा के अधीन काम करने लगा हूं। उस समय से पवित्र आत्मा ने मेरी जिंदगी आसान कर दी है, मुझे समझाता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन पवित्र आत्मा वो सहायक उसको दिया जाता है जो उसका पालन करता है, आदेश का पालन करता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पिछले पुण्य शुक्रवार को, शुक्रवार तक आश्रम खुला था। पुण्य शुक्रवार से पहले बीफे को रात को 9 बजे हमारे मुख्यमंत्री जी ने 144 घोषित किया। मुझे इसका पता चला सुबह 8 बजे। हमारे कुछ सदस्य आके बोले कि स्वामी जी ऐसी ऐसी बात है। 8 बजे सूचना मिली और मैं इस समय नहाने जा रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा लेट नहाता हूं। नहाने के लिए मैं जब बाथरूम गया, नहाना शुरू किया, पवित्र आत्मा ने जोरदार आवाज में, मानो कोई मुझसे बोल रहा है, गेट बंद करो, कार्यक्रम रद्द करो, गेट बंद करो, उस कार्यक्रम रद्द करो। करना बहुत कठिन था, सारी तैयारियां हो चुकी थी, नाटक और बहुत सारी तैयारियां हो चुकी थी। लोग भी आने वाले थे हजारों की संख्या में, कम से कम 10-15 हजार लोग आते हैं पुण्य शुक्रवार के लिए यहां पे। सब लोग रास्ते में थे। मैंने तुरंत बाहर निकलकर अपने सही पुरोहितों से कहा कि जल्दी गेट बंद कराइए, चौकीदार से वहां खड़ा कर दीजिए, गेट पर ताला लगाइए और बाहर कुछ चिपका के रखिए कि कार्यक्रम नहीं होगा, रद्द होगा। मैं जानता हूं उस निर्णय से हमें क्या फायदा हुआ, वरना हम फंस जाते, आज मैं आपके सामने खड़ा नहीं होता। पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायक है, कान खोलकर सुनिए। यू आर नेवर अलोन, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पवित्र आत्मा है। लेकिन कान खोलना, सुनने के लिए तैयार होना, जो वो कहेगा उसका पालन करने के लिए तैयार होना। कुछ भी कहेगा, आपको पक्की प्रेरणा मिलेगी, और आपको पक्की प्रेरणा है, लोगों से पूछेंगे, हां प्रेरणा है, करना है, आप देखेंगे उसके द्वारा कितनी कृपाएं मिलेंगी। तो पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रभु यीशु के द्वारा पिता ने एक सहायक के रूप में दिया है। आज से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरे सहायक, तेरी उपस्थिति का अंगीकार करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, तेरी प्रेरणा को स्वीकार करने के लिए मुझे कृपा दीजिए। आंखें बंद कीजिए। पवित्र आत्मा, जीवित ईश्वर की आत्मा, तू हमारे साथ रहता है। यीशु पर विश्वास करने के कारण हमारे लिए एक महान सहायक के रूप में तू दिया गया है। हम तुझे देख नहीं सकते क्योंकि तू अदृश्य है, लेकिन तेरी उपस्थिति को स्वीकार करने की कृपा दीजिए। सबसे पहले विश्वास करने की कृपा दीजिए कि तू हमारे साथ है। दूसरा, अंगीकार करने की कृपा दीजिए, तेरी आवाज को सुनने की कृपा दीजिए, तेरे इशारे को देखने की कृपा दीजिए, उसका पालन करने की कृपा दीजिए। पवित्र आत्मा, ओ मेरे सहायक पवित्र आत्मा, आइए। दोनों हाथों को खुला रखिए। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करता हूं इस समय तू मेरे भाई बहनों के करीब है। तेरी उपस्थिति का एहसास कराइए पवित्र आत्मा, उनको इस बात का एहसास होने दीजिए कि तू उनके करीब है। उन्हें स्पर्श कर पवित्र आत्मा, उनके सिर से लेकर पैर तक उन्हें स्पर्श कर, तेरी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए कृपा दीजिए पवित्र आत्मा।
एक एक भाई बहन जो इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, स्पर्श करना पवित्र आत्मा, स्पर्श करना, टच देम लॉर्ड, टच देम, स्पर्श करना पवित्र आत्मा, स्पर्श करना, ऊपर से लेकर नीचे तक, उनके घर को, उनके परिवार को स्पर्श करना। दोनों हाथ खुला रखेंगे, ऊपर क्यों रखेंगे, आंखें मन करके स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति करते जाएंगे ऊंची आवाज में। हालेलुया, 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 ऊंची आवाज में, हालेलुया, 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 आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, अभिषेक, 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 आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, साथ रहने के लिए अभिषेक, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मौन होकर पवित्र आत्मा के अभिषेक का अनुभव कीजिए, पवित्र आत्मा के स्पर्श का अनुभव कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। बना